الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم تواڈے وچوں کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں او تے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیت مبارکہ دا ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتا ہے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 22واں پارہ سورت دا نام سورہ احزاب احباب حاضرین الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دی عظیم الشان فقید المثال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر کانفرنس جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام سیالکوٹ شہر دے ایک علاقہ بڈر گاؤں دے اندر انعقاد پذیر اسٹیج دے الحمدللہ میرے مسلک دے میری جماعت دے نوجوان خطباء علماء تشریف فرما نے میرے تو قبل میرے بڑے قابل قدر میرے بھائی حافظ عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی و دیگر خطباء اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے اور میرے بعد انشاءاللہ میرے مسلک دے میری جماعت دے
नौजवान खुतबा हजरात अपनी अपनी गुफ्तगु फरमान गए। मेरी दिल दियाँ अथा गहराइयाँ चो दुआए अल्लाह मेरे मसलक दे इन्ना खुतबानू उलमानू अल्लाह अपने दीन दी बढ़ चढ़ के मजीद खिदमत करन दी तौफीक नसीब फरमा और अल्लाह इन्ना दे इल्मो अमल विच अल्लाह बरकत नाजल फरमा। तुसी इस बात नू जानते हो तीन साल का तवील अरसा हकूमत की पाबंदी दे विच गुजारन दे बाद एक साल तो बीमारी की लपेट विच रहन दे बाद दोबारा तुसा हबाब दे नाल हम कलाम होन दा मौका मुयस्सर आया है। मैं अल्लाह दे हुजूर इस बात दा जिन्ना शुक्र अदा करा वो थोड़ा है कि अरशां वालिया तू दोबारा बिस्तरे मरज तो उठा के स्टेज ते मिंबर ते बैठा के अपने कुरान दा ऐलान करवा रहे हैं। अरशां वालिया तू चाहे अपने अयूब नू 18 साल दे बाद बीमारियां तो सेहत अता कर देना। अल्लाह तेनू कोई पुछन वाला नहीं, तेरे ते कोई सवाल उठान वाला नहीं। अरशां वाले आ जिस तरह अपने नबी अयूब नू सेहत अता फरमाई अल्लाह उसे तरह दोबारा सेहत अता फरमा ते मैं बढ़ चढ़ के तेरे कुरान दा तेरे नबी दे फरमान दा पैगाम लोगों तक पहुँचा सका इंशाअल्लाहुर्रहमान। मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह पहले तरह सेहत अता फरमाएगा और दीन दा इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के कम लेगा। मेरे भाई अज दे इश्तिहार दा उनवान है खत्मे नबुवत दा एले हदीस दा पैगाम नोट कर लो। अल्लाह ने आमिना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम नू मबूस फरमा के आप नू दुनिया ते भेजन तो पहले आलमे अरवाह दे अंदर आप दी खत्मे नबुवत दा आप दी रिसालत दा आप दा दुनिया ते आके खातमुन नबीयीन बनन दा अल्लाह ने तारफ करवा दिता आदम अलैहि सलातु वस्सलाम तो लैके कयामत तक दे आउन वाले हर नबी नू उत्थे इकट्ठियां करके अल्लाह ने उन्हां कोलों इस बात दा वादा लिया कि मेरे नबीओ मैं तुहानू दुनिया ते भेज देवा तुहानू मैं किताबां ते शरीयत अता कर देवा तुहानू मैं इलाके तकसीम कर देवा तुहाडे सारिआं तो बाद विच एक आउन वाला आ जाए उहदे आउन दे बाद मेरे नाल वादा करके जाओ तुसी उहदे नाल सलूक की करोगे उहदे नाल तुसी सलूक केड़ा इख्तियार करना है। अरशां वाले या रब्बा तू आप सानू दस दे फरमाया तुसा अपनिया किताबा बंद करके अपनिया शरीयता बंद करके अपनिया नबूवता खत्म करके आखरू जमान नबी दा कलमा तुसा पढ़ लेना है उहदे पिछे चल जाना है। अगर कोई नबी इस गल तो मुनहरिफ हो गया इस गल तो ओ पक्का ना रहा मैं ओदा नाम नबियां दी फरिश्त विचों कट के ओदा नाम फासका विच लिख देवांगा। अल्लाह ने आलमे अरवा दे अंदर जेड़ा नबियां कोलो वादा लिया अल्लाह कुरान विच ऐलान फरमा रहे ने अल्लाह कह रहे ने मेरे आदम
मेरे नूर, मेरे खलीलुल्लाह, मेरे ज़बीहुल्लाह, मेरे कलीमुल्लाह, मेरे ज़करियाह, मेरे शुएब ही इदरीस, हूद, साले, सारे नबियों मिनु जवाब दे के जाओ, उदे नाल सलूक की करना है। लोग तुहाडा कलमा पढ़ते होन, लोग तुहाडी गल मनते होन, जदो आमिना दा लाल आ जावे, तुसा अपनिया किताबा बंद करके, अपने निजाम बंद करके, अपनिया शरीयता बंद करके, आमिना दे लाल दे पिछे चल पैना, आमिना दे लाल दा कलमा पढ़ लैना। लोग तुहाडा कलमा पढ़ते होन, लोग तुहाडी गल मनते होन, पर तुसा आमिना दे लाल दा कलमा पढ़ना, तुसा आमिना दे लाल दी गल मननी है। अल्लाह फरमांदे ने वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माकुम लतुअमिनुन बिही वला तनसुरुन्ना काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اے میرے او نبیو آمینہ دلال دی نبوت تے تسا ایمان لے آونا ہے आमिना दे लाल दी खत्मे नबूवत दा तुसा कलमा पढ़ लेना। मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए, अजे अल्लाह ने आसमान नहीं सन बनाए, जमीना नहीं सन बनाइया, चन्न ते सूरज नहीं सी बनाया, दुनिया दा कोई निजाम अजे नहीं सी बनाया। अल्लाह आमिना दे लाल दी खत्मे नबूवत दा ऐलान तो कर रहे ने। मौलाना शमसाम गल बड़ी प्यारी कर गए, फरमांदे ने काफ कुन दिया मंजला अज पहलिया सन, काफ कुन दिया मंजला अज पहलिया सन, ओ जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब लिख दिता सी खत्म रिसालता दा, ओ मिट्टी आदम दी ओ तो अजे गोई होई सी। आया सारे जहान दा चन्न बन के विच बाइबल जिदी पेश गोई होई सी। समसाम उस जमीन नो भाग लगे और जेड़ी कई मुद्दतां दी मोई होई सी। आमिना दे लाल आए दुनिया ते, अल्लाह फरमांदे ने कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। ए मेरे नबी ऐलान कर दियो, आदम तो लैके कियामत तक दे आउन वाले दुनिया जहान दे सारे इंसानों, मैं तुहाडे सारे वल नबी बन के आया, अल्लाह दा रसूल बन के आया, आखरू जमा पैगंबर बन के आया,
अल्लाह ने जेड़ा वादा आल मेरवा चले आ फिर ओदी तस्दीक किमें करवाई, अल्लाह ने ओदी तईद किमें करवाई। मेराज दी रात आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे करीब हतीम विच लेटे ने, जनाबे जिबरील आए ने आके आका नू उठांदे ने, आप नू बेदार करदे ने, अर्ज करदे ने सोनिया अल्लाह ने पैगाम दे के भेजे है, जा जा के आमिना दे लाल नू लेके आ ते मेरे आका नू जनाबे जिबरील लेके चले ने। सियालकोट दे बसने वालों जरा गल नोट कर ले आजे, जिबरील आया मेरे आका दे दरवाजे ते, एक वरी सारे बोलो किदे दरवाजे ते, साडे आका दे दरवाजे ते। जिबरील जेड़ा है ओ नूरियां दा सरदार है, जिदे दरवाजे ते आया ओ बशरां दा सरदार है। जनाबे जिबरील आके मेरे आका दे पैरां वल बह जांदे ने, जदों मेरे आका बेदार हुंदे ने ते जिबरील आंदे ने सोनिया मैं सवारी लेके आया, अल्लाह दा पैगाम लेके आया, सवारी ते बह जाओ मैं तुहानू नाल लेके जाना। मेरे आका सफर करदे करदे बैतुल मुकद्दस विच पहुंचदे ने, जदों बैतुल मुकद्दस विच पहुंचदे ने सारे नबी उत्थे खड़े ने, उन्हां दीयां सफां बनियां ने। एक आंदा अज जमात कौन कराएगा, एक आंदा अज जमात नबी आदम करवाणगे, दूसरा आंदा अज जमात नबी नू करवाणगे, एक आंदा अज जमात नबी इब्राहिम करवाणगे, एक आंदा अज जमात नबी यूसुफ करवाणगे। कोई कोई गल करदा कोई कोई गल करदा, अल्लाह फरमांदे ने जिब्राइल आमिना दे लाल नू हाथ तो फड़ के मुसल्ले ते खड़िया कर दे, कयामत तक वास्ते ऐलान कर दे, मेरा कानून बना दे, जिथे आमिना दा लाल होवे ओदे उंदिया कोई मुसल्ले ते खड़ा हो सकदा। मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए, अर्ज की जिबरील सोने नू आके, सुभान अल्लाह दी आवाज आएगी। ओ बीमार बंदा पिया बोलदा तंदुरुस्त चुप करके बैठे हो, अर्ज की जिबरील सोने नू आके, इना कु जोर होर ला के जरा, अर्ज की जिबरील सोने नू आके, चलो आका रब दा पैगाम आगे आए, सवारी लई दर ते बोरा का गे आए, ते वागा फड़न नू गुलाम आगे आए। हुण मेरी गल सुन लो जरा, हुण जवाब देना जे इंसाफ नाल ईमान नाल। ओ यार जेड़ा लगाम फड़ के टुरदा ओदी शान ज्यादा है या जेड़ा सवारी ते बैठा ओदी शान ज्यादा? बोलो, जेड़ा सवारी दी लगाम फड़ के टुरदा पिया ओदी शान ज्यादा या जेड़ा सवारी ते बैठा ओदी ज्यादा? जवाब आए जवाब, जेड़ा सवारी ते बैठा ओदी शान ज्यादा, ओदी शान बोलो उची ज्यादा। जेड़ा लगाम फड़ के पे टुरदा ओ ते नूरियां दा सरदार है, जेड़ा सवारी ते बैठा ओ बशरां दा सरदार है।
अर्ज की जिबरील सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी ले दर ते बुरा का गया है ते आ सवारी ली दर ते बुरा का गया है ते वागा फड़न नो गुलाम आ गया है। जाक साचे पहुंचे आका प्यारे 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 वाडे कोल अखवान है जाक साचे पहुंचे आका प्यारे खड़े सन नबी तजारी चे सारे एल हदीस दा कीता ता जिबरील नबिया नु एलान कीता जा जिबरील नबिया नु एलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे जिबरील ऐलान कर दे जिथे आमिना दा लाल होवे उथे कोई मुसल्ले ते खड़ा हो सकदा ए क्यों आमिना दे लाल दी अग्गे को खलो ही नहीं सकदा जिथे रात मेराज सरकार पहुंची सत्ता फलका नू चीर जा पार पहुंची बाज मेरे मुहम्मद ओथे जा कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया नबूवत दे बूवे नू है मार आया नवा हुन नबी जगते आ कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई जेड़ा वादा आलमे रवा च कीता ओदी पासदारी हो गई प्रैक्टिकल हो गया। अल्लाह ने नबिया कोल उस वादे दी तमील करवा ली कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया आमिना दे लाल नू अल्लाह ने खातमुन नबीयीन बना के भेजिया मैं ती इंज क्या करना आदम दी इनाबत लैके नबी नू दी इस्तकामत लैके नबी इब्राहिम दी खलीली लैके नबी मूसा दी कलीमी लैके नबी जकरिया दा जिक्र लैके नबी यहया दा जोहद लैके नबी यूसुफ दा गम लैके हुसन लैके नबी यकूब दा गम लैके नबी यूसुफ दा हुसन लैके नबी अयूब दी बीमारी सबर लैके आमिना दे लाल दा एक गुलदस्ता बना के दुनिया ते भेज दिता ते ऐलान कर दिता मेरे आ सोनिया जदों तक मैं खुदा दी खुदाई रहेगी उस वक्त तक तेरी मुस्तफाई रहेगी जेड़ा तेरी खत्मे नबूवत नू नहीं मनेगा भावे नबी होवे ओ नबी रह सकदा बोलो जरा नबी रह नहीं सकदा ते जेड़ा आज आके आमिना दे लाल दे बाद भी नबी को आया ओ मुसलमान रह सकदा हौली आखिया जे जेड़ा आमिना दे लाल दी नबूवत दे बाद
किसे होर दी नबुवत नू मन्नेगा बोलो मुसलमान। अल्लाह ने कुरान विच कह दिता मेरे सोनिया मैं ते कानून बना दिता है, मैं अपना दस्तूर बना दिता है, मैं अपना उसूल बना दिता है, जिथे मैं रब दी खुदाई दा ऐलान होएगा नाल तेरी मुस्तफाई दा ऐलान होएगा। मौला फरमांदे ने कुलिया अयो हन्ना मेरे भाई मैं इन अल्फाज ते बस करना क्योंकि जुमे रात में मैनू दोबारा शदीद बीमारी का हमला होया, लेकिन मैं सिर्फ अपने वादे की पासदारी कर दिया, सिर्फ तुहाडे चेहरे की जियारत करने वास्ते आया। जिहड़ा 5 मिनट 10 मिनट मेरे को बयान होया है इहनू ज़्यादा समझिया जे, दुआ करो अल्लाह मैनू सेहत देवे ते इंशाअल्लाह मैं बयान करता रहांगा। अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। आखरवाना अलहमदुल्ला मेरे भाई मलक मुहम्मद फैसल साहब भुलैक तो जड़ी अलहमदुल्ला मेरे मसलक दी मेरी जमात दी अजीम शान पहचान और मेरे मसलक दी माया नाज कॉन्फ्रेंस है। मेरे भाई मलक मुहम्मद फैसल साहब मलक औरंगजेब साहब रहमतुल्ला अलैह दे लखते जिगर और मेरे बड़े प्यारे भाई और मैनू ये आंदे ने नेकी बंदे नू याद रखनी चाहिए है। तुहाडा सियालकोट तो मैनू नहीं भुलदा क्योंकि इत्थे मैं जेल विच मैं 4 महीने रहा ते कीता कराया कतल पै गया सी मेरे उत्ते ते मैनू हथकड़ियां लगियां सन। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना कि मेरे भाई फैसल साहब अपने हाथों के नाल मैनू खाना खवा रहे सन, हाथ मेरे बजे सन। मलक औरंगजेब साहब अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, ये मैनू अपने बेटियां तरह मलक औरंगजेब साहब जड़े सन वो और भाई फैसल साहब मैनू अपने बाइया तरह समझते रहे। अल्लाह इन्हों का प्यार मुहब्बत कबूल फरमाए। तो वह कॉन्फ्रेंस याद है ना तुहानू भुलाया काली, जिन्हों जिन्हों याद है हाथ खड़ा करो हाँ जरा तो आओगे ना उत्थे, एक बारी फिर कह दियो आओगे। अल्लाह जी भाई फैसल साहब कह रहे ने कि उत्थे खिताब होएगा, दुआ करो सेहत होएगी तो इंशाल्लाह होएगा। यार आप साहब ने मोहब्बत का इजहार करो, नाराए तकबीर, जरा सज्जात लहरा के जो साथी खड़े ने भाई पंडाल तशरीफ लियाओ आके बैठ जाओ, नाराए तकबीर, शेरे यजदानी शेरे रब्बानी हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर रऊफ साहब यजदानी। ए मुहम्मद उसामा अल्लाह दा प्यार कबूल फरमाए। हाफिज़ इनामुल हक फरूकी साहब कह रहे ने कि वो शेर सुनाओ, अगर तबीयत मेरे भाई इजाजत देंदी तो मैं होर भी गल करदा ते, लेकिन मैं ना कि उधार ही रवे ते इंशाअल्लाह फिर बयान करांगा ताकि अज ही ना मुहब्बत मुक जाए तो फिर बाकी ना रवे। अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए जी।